मैं एक तो चीज़ देखी हूँ, मैं सोची कि चलो भाई मैं आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ, है नई ना। जोश और नई उमंग के साथ मैं फिर से ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। झारखंडी जोहार, मोही को तोरे मन कर चाहता कौन, अभिलाषा लाइफ। सो गाइस लोग, मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आई थी, तो एक कॉलेज, ये DSPMU कॉलेज है ना, उसी के जस्ट सामने में ही मैं एक तो चीज़ देखी हूँ, मैं सोची कि चलो भाई मैं आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ, है ना। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो आप लोग पेड़ जो देख रहे हो, ये पेड़ आपका कॉटन का है। कॉटन मतलब रुई का पेड़ है, ये आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये रुई का पेड़ है। मुझे मालूम नहीं था कि ये रुई का पेड़ है, बट मैं देखी कि इसके नीचे देख सकते हो, ये ढेर सारा रुई है ना बिखरा हुआ है, ये देख सकते हो, ये है कॉटन, ये आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये है कॉटन, है ना, जिसको बोला जाता है रुई हिंदी में। तो ये कॉटन का मुझे ट्री मिल गया, मुझे भी मालूम, इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ का पेड़ है, बट मैं देखी कि यहाँ पे कॉटन है, तो ये आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये रुई है ना, ये रुई का पेड़ है, आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, है ना। उधर से उधर रांची कॉलेज है, आप लोग देख सकते हो, पहले ये रांची कॉलेज से नाम पे जाना जाता था, लेकिन DSPMU कॉलेज है, ये आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये रुई है ना, कॉटन है, ये आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये देख सकते हो, व्हाट अ कोइंसिडेंट कि हाँ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है ना। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन ये जब उड़ रही थी तब मैं देखी कर, ये तो भाई कॉटन का है, तो आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, तो कैसा लगा है ना, इंटरेस्टिंग था, ऑफ कोर्स की बात है, इंटरेस्टिंग हो गई है ना, तो आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये रुई है जो कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आई थी, मॉर्निंग वॉक नहीं, साइकिलिंग करने आई, समझे ना, तो देख सकते हो गाइस लोग। लोग देख सकते हो गाइस लोग, ये है रुई का, है ना, और मेरे पीछे ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइकिलिंग कर रही थी, तो मैं सोची उधर से आऊंगी तो मैं आप लोग को जरूर से जरूर दिखाऊंगी गाइस लोग, आप लोग ये देख सकते हो, ये है कॉटन 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 कॉटन, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही नेचुरली लग रहा है ना, कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा है, बिकॉज ये नेचुरल है तो क्या स्मेल ही आएगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हो गाइस लोग, तो मेरे मुंह में भी थोड़ा थोड़ा फंस गया, तो आप लोग देख सकते हो, मैं इधर से डेली आते जाती हूँ, लेकिन मैं उतना गौर नहीं की थी कि हाँ ये फलाना का पेड़ है, लेकिन अभी यहाँ पे देखी कि यहाँ पे रुई सब है, तो अभी पता चल रहा है ना। सो गाइस लोग, आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, है ना। आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं करते, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। होप्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और ब्लॉग में मैं मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस लोग, बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस लोग, बाय गाइस।